चुपचाप रहने से तो और बीमार पड़ जाऊंगी। वैसे ही ऑलरेडी बीमार हूँ, हार्ट टूटा हुआ है, पता नहीं कब ठीक होगा। मेरे को इतनी बोरियत होती है ना, ऐसे लटकाए लटकाए। आ सॉरी धन्नो, देखो क्या है ना, मुझसे अभी सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं भी तो देखना चाहती हूँ जो मेरे घर में काम करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, धन्नो दिखती कैसी है। एक बार उठाओ ना अपना ये लाज का घूंघट। ओके ओके, माफ कर बाबा, जान से भी बड़ी लाज है ना, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, सॉरी। हाँ चलो ठीक है, मैं खा लूंगी, तुम जाके अपना काम कर लो। खा लूंगी मैं। मानवी भाभी, आपके यहाँ जो नई नौकरानी आई है ना, उससे वीरेन भैया मिलना चाहते हैं, कुछ काम है। जाओ धनु, जीजू जो भी काम हो पूरा कर देना। ये धनु की आखिर पहेली क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके खाने में दी के हाथों का टेस्ट, उसके छूने से वही दी वाला एहसास, ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि। पता करना पड़ेगा मानवी, कहीं तेरा शक सही तो नहीं। अंदर आओ।
शर्मा मत, अंदर आ जाओ। देखो मुझे सच बताओ, तुम यहां मेरे बीवी के कमरे में क्या कर रहे थे? क्या तुम बाकी ब्रेसलेट चुराने आए थे? देखो मुझसे झूठ मत कहना, वकील हूं मैं, तुरंत पकड़े जाओगे। तुम क्या इशारों में बातें करती रहती हो, होंगी ओके? I'm really sorry, मुझे वाकई पता नहीं था। वैसे सुंदर कह रहा था कि गांव की जो लड़कियां होती बहुत खूबसूरत होती और इसलिए अपने चेहरे पर इतना लंबा कुंवर डालती ताकि उनकी खूबसूरती का कोई शिकार ना हो सके। सही कह रहा हूं? नहीं यार, ऐसी बात है तो एक बार अपना चेहरा दिखा दो, वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज एक बार चेहरा दिखा दो, वादा कर रहा हूं जाने दूंगा। क्या मेरी बीवी? तुम कह रहे हो क्या वो क्या सोचेगी? अरे मेरी बीवी तो गाय है बेचारे, बहुत भोली है और काफी भरोसा है मुझ पर, उसे तो पता तक नहीं चलेगा। वैसे जो बात तुम गांव की गोरियों में है ना, शहर की लड़कियों में कहा, एक बार अपना चेहरा दिखा दो। एक ना एक दिन तो तुम्हारा चेहरा देख ही लूंगा, कब तक बचोगी हमसे? बात तो बड़ी गंभीर है बीजी, वीरेन और विराट के बीच में मतभेद हो जाएगा, अब वो भी इतना बड़ा मतभेद हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई करे भी तो क्या करे, ये उनका आपस का पारिवारिक मामला है, हर वालों की दखलंदाजी अच्छी तो नहीं लगती ना। मुझे जीविका और मानवी की बहुत चिंता हो रही है मदन, बचपन से कभी दोनों अलग अलग नहीं रहे, अब ये दूरी कैसे बर्दाश्त करेंगे दोनों? मैंने तो सोचा था कि दोनों को एक ही घर में ब्याहूंगी तो हमेशा साथ रहेंगी वो, लेकिन अब देख। पापा पापा मैं ये पूछ रहा था कि वो जो 25 लाख रुपए हमने जीते हैं ना, हम उसका क्या करने वाले? चुप कर डब्बू, घर में इतनी परेशानी है और तुझे अपने 25 लाख की लगी हुई, शर्म आनी चाहिए तुझे। जी मैं बस डब्बू चुप कर, पैसों के बारे में बाद में सोचेंगे। तक
अरे कोई बात नहीं धन्नो, मैं कौन सा बर्तन साफ कर रही हूँ, सिर्फ प्लेट्स उठा के साइड में ही तो रख रही हूँ। धन्नो उधर ना बेड साइड पे एक प्लेट रह गई है, रात को विराट ने खा के वहीं छोड़ दी थी, प्लीज ले आओ ना। आई थिंक वो प्लेट किचन के बाहर रखी है, जाके ले आओ ना प्लीज। अच्छा मनु, हो गई चालू तेरी जासूसी, पर मैं भी तेरी बड़ी बहन हूँ। चलो धनो, ये बर्तनों का काम खत्म कर लो। वैसे धनो इतनी धूप में सुबह सुबह चल के आना पड़ता होगा, थक जाती होगी ना, क्या करेगा बेचारा, पैसे के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं वैसे तुम यहाँ खुश तो हो ना, मैं अच्छी मालकिन हूं ना, और तुम अभी तक मुझसे झूठ बोल रही थी ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, थासू आइडिया सोचना पड़ेगा। स्वीटी, 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 मेरी बात तो सुनो तुम। बस हो गया डब्बू, एक काम नहीं होता ना तुमसे। क्या कहा था मैंने तुमसे कि सिर्फ जाकर पूछना है कि तुम्हारे 25 लाख का क्या हुआ, तुम वो भी नहीं कर सके। स्वीटी मैंने पूछा ना उनसे। पूछा, वाह कितना बड़ा काम किया ना तुमने पूछ के। क्या हुआ, तुमने उनसे पूछा और उन्होंने तुम्हें जवाब देकर चुप करा दिया। टप्पू तुम किसी और के पैसे के बारे में नहीं पूछ रहे हो, वो पैसे तुम्हारे हैं, तुम कभी भी पूछ सकते हो, खर्च कर सकते हो, जो भी चाहिए कर सकते हो। स्वीटी, स्वीटी तुम प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। देखो पापा, बीजी ये सब है ना, जीविका दी और मानवी दी को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए वो लोग ठीक से बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ना कि वो लोग फिर से बात करेंगे। बस डब्बू बस, जब देखो जीविका मानवी, जीविका मानवी उनका क्या है कि शादी वडेरा फैमिली में हुई है, उन्हें किस बात की टेंशन। लेकिन ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पे हक है तुम्हारा। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, औरों की तरह तुम भी मुझे ही गलत समझो। नहीं स्वीटी, नहीं स्वीटी प्लीज तुम रो मत। देखो देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मौका मिलते ही मैं मम्मी पापा से दोबारा बात करूंगा। तुम प्लीज रो मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पक्का पक्का प्रॉमिस।
ठीक है, लेकिन लास्ट चांस था। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आओ प्लीज। ओके थैंक यू। दफर कहीं का अब हो गया आज का काम। धनु सुनो ना, क्या है ना, मैंने बहुत दिनों से अपने सर में तेल नहीं लगाया, उल्टे हाथ से लग ही नहीं पाता है। तुम लगाओगी मेरे सर में तेल? देखो उस साइड ना, उधर कटोरी में तेल रखा है, लेके आओगी प्लीज। यहाँ क्यों बैठ रही हो, यहाँ कैसे तेल लगाओगी, इधर आके बैठो सोफे पे। अरे आओ ना धन्नो, क्या टाइम पास कर रही हो, मैं बोल रही हूँ ना, इधर आओ धन्नो, आके बैठो इधर। जब तेल लगा लोगी ना तो अपनी पगार लेकर जाना। हाँ आप सोच भी कैसे सकती हो कि आपकी मार आपकी बहन पहचान नहीं सकती। धन्नो मेरी जीविका दी है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। आप मेरे बालों में तेल लगाते वक्त बिल्कुल ऐसे ही सर पे टपली मारती थी। अब क्या हुआ, हो गया? अरे ठीक है, रुको धन्नो, चल थैंक यू सो मच। अरे रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो, पगार नहीं चाहिए आज की, ये लो तुम्हारी आज की पगार। और सुनो कल सुबह 7:30 बजे आ जाना है, ठीक, ऐसे रोज रोज लेट नहीं चलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं? मानवी तुम्हारी नई मेड कितनी अजीब सी है, किसी को देखकर ऐसे घबरा जाती है जैसे कोई इसे कच्चा खा जाएगा। धन्नो के बारे में कुछ मत बोलो विराट, इतना ख्याल रखने वाला टॉर्च लेके भी दिन में ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिल सकता, पता है? अच्छा मेरी हेल्प करने के लिए नौकरानी तक बन गए, और आपको क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा, मैं सब जान चुकी हूं। दी आप अब खुद से अपना घूंघट उठाओगी? मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।